नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A53 2020 वर्सेस Xiaomi Poco X3 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Oppo A53 2020 में 6.45 इंच जबकि Poco X3 Pro में 6.51 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Oppo A53 2020 में 2.96 इंच जबकि Poco X3 Pro में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Oppo A53 2020 में 0.33 इंच जबकि Poco X3 Pro में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Oppo A53 2020 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Oppo A53 2020 में 186 ग्राम्स जबकि Poco X3 Pro में 215 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Oppo A53 2020 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Oppo A53 2020 में 6.5 इंचेस जबकि Poco X3 Pro में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Oppo A53 2020 में 720x1600 और Poco X3 Pro में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Oppo A53 2020 में 82.87% जबकि Poco X3 Pro में 84.61% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Oppo A53 2020 में 270 पिक्सल प्रति इंच जबकि Poco X3 Pro में 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Oppo A53 2020 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रॉन कैमरा देखने को मिलता है। और Poco X3 Pro की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Oppo A53 2020 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Poco X3 Pro की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Oppo A53 2020 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Poco X3 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Oppo A53 2020 में Adreno 610 जबकि Poco X3 Pro में Adreno 640 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Oppo A53 2020 में Qualcomm Snapdragon 460 और Poco X3 Pro में Qualcomm Snapdragon 860 मिलता है। बात करें RAM की तो Oppo A53 2020 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि Poco X3 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Oppo A53 2020 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Poco X3 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Oppo A53 2020 में अप टू 256GB जबकि Poco X3 Pro में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Oppo A53 2020 में Android V10 Q जबकि Poco X3 Pro में Android V11 देखने को मिलती है।
बैटरी ओप्पो A53 2020 में 5000 mAh जबकि पोको X3 Pro में 5160 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो ओप्पो A53 2020 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹12,180, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹12,990 में मिल जाता है। वही अगर बात करें पोको X3 Pro की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹18,999, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹20,999 में मिलते हैं। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में पोको X3 Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में पोको X3 Pro आगे है, परफॉर्मेंस में पोको X3 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G9 है जो कि ₹10,999 में मिलता है। दूसरा Xiaomi Redmi 9 है जो कि ₹9,999 में मिलता है। तीसरा ओप्पो F17 है जो कि ₹18,490 में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटिव फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco X3 है जो कि ₹18,999 में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।